अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये सुबह सुबह बन रही है किचन में पूरन पोली। और देखिए सुबह है, पूरन पोली बन रही है और ये बना रहे हैं मेरी बहन की जेठानी। वालेकुम सलाम। और ये आए हैं पूना से, जब से आए हैं माशाल्लाह लग गए हैं जोरों शोरों से अपनी बेटी की शादी की तैयारी में। और ये क्या क्या किए भाभी? ये कड़ी है, कड़ी मतलब इसका पानी। हाँ अच्छा, इसका पानी उबाले हैं। हाँ, और इसको पानी। इसका पानी ये बॉईल करने रख दिए थे, ये चने को, चने की दाल है ना ये। हाँ, फिर बॉईल होने के बाद इसका पानी निकाले हैं, इसके क्या बनाएंगे? कड़ी, कड़ी बनाएंगे। और ये तो दूध उबाल के रखे हैं, यहाँ पे चाय बन रही है तो आपको बताते रहेंगे। बने रहें मेरे साथ एंड तक, आपको गांव की पूरन पोली की रेसिपी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। और अब इसमें डाल रहे हैं दूध, डाल रहे हैं। और ये थोड़ा सा उसमें से पूरन निकाल रहे हैं, पूरन मतलब जो बॉईल की हुई चने की दाल है निकाल रहे हैं। ये क्यों निकाले हैं? कड़ी बनाने से। अरे तो निकाले हैं और उससे कड़ी बनाएंगे, थोड़ा सा निकाले हैं कड़ी के लिए यूज करेंगे। और गुड़ डाले हैं और गुड़ डाल के इसको मिक्स करेंगे। देखो डिस्कशन हो रहा है, मेरी बहन बोल रही है और चाहिए, ये बोल रहे बस होती, लेकिन और थोड़ा सा निकाल लिए हैं उन्होंने। थोड़ा खोबरा डालती, खोबरा डालेंगे ना इसमें, और खोबरा भी अभी डालेंगे, मैं आपको बताऊंगी। और ये मेरे प्यारे प्यारे भाभी, वालेकुम सलाम। देखो गुड़ डाले हैं और अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे, पूरा हिला लेंगे चम्मच के हेल्प से। कितने का पूरन है ये? पूरन बना रहे 2 किलो। ये है 2 किलो का पूरन पोली रेडी कर रहे हैं, 2 किलो का पूरन है ये। इधर ना। और ये चने की दाल, की दाल 2 किलो लिए हैं और गुड़ भी इसमें 2 किलो लिए हैं। बराबर दाल जितना है उतना ही गुड़ लेना है। देखिए गुड़ कैसा उसमें अच्छे से मिक्स हो रहा है, मिक्सअप हो चुका है। फास्ट फ्लेम पे ही गैस को रखे हैं। ये देखिए चना और गुड़ की दाल माशाल्लाह अच्छे से मिक्स हो चुकी है। क्या खुशबू आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मस्त खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि अब भी खा डालू। और ये मिक्स कर रहे हैं, देखिए कितना माशाल्लाह कितने अच्छे से कर रहे हैं ये भाभी। और अभी ये भाभी क्या कर रहे तुम? ये कड़ी के लिए दाल पीस रहे हैं। और ये कड़ी के लिए जो थोड़े से दाल निकाल के रखे थे ना हम लोग ने, तो ये भाभी पीस रहे हैं यहाँ पे थोड़ी दाल कड़ी के लिए। और उसको जो उसके अंदर था क्या किए थे, कहाँ रखे हो? और देखिए ये ना अभी पीसने लेके जा रहे हैं उसको। ये चक्की है, पूरन पीसने की भी एक चक्की होती है, वहाँ पे ये पीसने लेके जा रहे हैं। तो टोप में से शिफ्ट कर रहे हैं और डब्बे में डाल रहे हैं। और गुलाब जा रहा है पीसने के लिए, पूरन पीसने के लिए। तो कड़ी के लिए पानी निकाले थे ना दाल में का पानी, तो ये पूरन पीस के इसमें डाल दिए हैं, तो कड़ी का पानी यहाँ पे रेडी हो चुका है। भाभी क्या कर रहे हैं? रोटी बना रही है। ये रोटी बना रहे हैं, चाय रखी है यहाँ पे। क्या है हाथ में? ये हाथ में पकड़े हो? सुहाग बड़ा, सुहा बड़ा, सुहा बड़ा। और यहाँ पे आटा गुन रहे हैं। और ये आटा है ना पूरन का आटा है, मतलब इससे पूरन पोली बनाते हैं। पूरन पोली का अलग आटा है, जो अपना गेहूं का आटा है वो नहीं होता है, ये
अलग आटा होता है पूरन पोली का। तो यहाँ पे भाभी गूंद रहे हैं आटा, पूरन का आटा है, 2 किलो आटा है, 2 किलो का पूरन है तो 2 किलो का आटा लिए हैं। और हमजा को देखिए, हाँ मेरा बच्चा ब्रश। और यहाँ पे देखिए पूरन पोली के लिए आटा गूंदा जा रहा है, और बहुत ही पूरन पोली के लिए सॉफ्ट आटा गूंदते हैं एकदम नरम। और देखिए कैसे मालिश कर रहे हैं, और बहुत ही सॉफ्ट आटा गूंद लिए हैं यहाँ पे उन्होंने। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह पूरन पोली बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, और ये आटा देखिए ऐसा गूने, एकदम नरम आटा ना भाभी, एकदम नरम आटा गूने हैं। ये मैदे के जैसा दिख रहा है बट मैदे का नहीं है, ये पूरन पोली का आटा है। और ये देखिए पूरन पीस के लाए हैं बाहर से चक्की पे, और यहाँ ये भी इसकी चक्की अलग ही आती है, आटा जहाँ पीसते गेहूँ पीसते वहाँ पे नहीं, दूसरी जगह है इसकी। यहाँ पे सोलापुर में यहाँ पे इसकी अलग ही मिलती है, चक्की अलग ही रहती है सोलापुर में। और ये चंगेरी है, चंगेरी बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, चंगेरी उसमें डालेंगे। और ये छोटू सा छुटकू गैस देखो बाटला, कितना प्यारा लग रहा है ना, छोटा सा छोटू बाटला है। और ये जर्मन का तवा रखे हैं उस पर, गैस भी ऑन है। और ये इसको क्या बोलते हैं, तगड़ बोलते हैं, तगड़ ये नीचे पोलपाट रखे हैं लकड़ी का देखिए, और उसके ऊपर ये रखे हैं, तगड़ बोलते हैं उसको, और उसके ऊपर ही बेलते हैं ना, उसके ऊपर ही बेलेंगे। देखिए तेल, आटे को कितना तेल लगाए हैं, और प्लस बेलन को भी लगाए हैं। देखिए तेल का डब्बा बाजू में ही है, और पूरा तेल भर भर के, तेल ही है ना, भर भर के यूज़ कर रहे हैं, और पूरन को भी उसमें भर दिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं मिस हो गया मेरा, मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाऊंगी। और अच्छे से बेल रहे हैं घुमा घुमा के। और बहुत ही यम्मी लगती है ये पूरन पूली, और ये जो गांव में बनती है तो बहुत यम्मी लगती है। और लोग एकदम अच्छे से ये लोग बना रहे हैं, हर चीज़ बारीकी से बनाते हैं, क्योंकि बॉम्बे में इतनी बारीकी से हर चीज़ नहीं करते हैं, शॉर्टकट यूज़ करते हैं, लेकिन ये लोग एकदम पूरा मस्त बनाते हैं, और बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए ये गोल गोल माशाल्लाह गोल पूरन पोली यहाँ पे बेल के हो गया है, अभी उसको इस पे तवे में डालेंगे। और यहाँ पे भी तेल डाले हैं, और देखिए कैसे डालते हैं, देखिए ये तगड़ को उसमें बिछा के और धीरे से उसको खींचते हैं, क्योंकि उसको हाथ में हम नहीं उठा सकते, क्योंकि एकदम सॉफ्ट होता है वो आटा, तो पूरा ख़राब हो जाएगा इस वजह से। और आटा तो देखिए कितना सॉफ्ट आटा चाहिए, बहुत सॉफ्ट, देखो आटा देखिए कितना सॉफ्ट आटा है। और ये सब चीज़ों का ना एकदम ट्रिक होता है, जो बनाते हैं ना उसको ही ये सब चीज़ें, ये कैसे बनती है, बारीकी से बनती है, वो सब चीज़ उनको पता होता है कि कैसे उसका ट्रिक है। देखिए कितना सॉफ्ट आटा है, ये पूरन पीस के रखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहे, और मुझे कमेंट में बताते रहे, ठीक है। देखिए इसको अभी पलट रहे हैं उल्टानी की हेल्प से, उसको चारों तरफ से लूज कर रहे हैं, और ये पलट दिए हैं। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह क्या कलर आया, और ये इसको थोड़ा सा खाली कर रहे हैं डिब्बे में, है ना, पिसा के लाए तो बहुत गरम गरम ही है, तो थोड़ा सा इसको खाली कर रहे हैं, लेने को भी इजी हो जाएगा, था ना डिब्बे में तो इसके वजह से। और ये देखिए, और इसमें एक बात है कि इसमें आटा यूज़ नहीं करना है, सिर्फ तेल ही यूज़ होता है इसमें, आटा का बिल्कुल यूज़ नहीं है, आप देख लो तेल का ही यूज़ है, जैसे आटा यूज़ करते हैं वैसे उस तरह से तेल यूज़ करना है, करेंगे तो ही तेल यूज़ होएगा। हाँ ये है ना, ये जो पेपर है, हाँ
उस पे तेल अच्छा ये तगड़ है ना उस पे तेल ही लगाते अगर किसके पास तगड़ नहीं रहा तो आटा। अच्छा किसके पास तगड़ नहीं रहा ना जो ये सिल्वर कलर का है सर्कल तो किसके पास अगर नहीं रहा तो फिर जो पोलपाट पे बनाते हैं तो आटा यूज कर सकते हैं बट ये तगड़ पे सिर्फ तेल यूज होता है तेल देखिए आप ना तेल लेकिन बहुत ज़बरदस्त पूरन पुली बन के रेडी हुई है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चंगेरी में और बच्चा पार्टी तो इतना शोर कर रहे हैं आप लोग को आवाज़ आती रहेगी बहुत रोना धाना इसने मारा उसने मारा चलते ही रह रहा है बच्चों का अली देखो कितना चिल्ला रहा आप बच्चों के शोर को इग्नोर करें पूरन पुली पे ध्यान दें बच्चों का तो चलते रह रहा है मस्ती भी करते हैं खेलते भी है रोते भी है गाते भी है दिन भर उन लोग का चलता ही रहता है ये पूरी शोर शराबा बच्चे करते ही रहते हैं तो इग्नोर करें उनकी वॉइस को आप पूरन पोली इंजॉय करें माशाल्लाह माशाल्लाह पूरन पोली ये देखिए और माशाल्लाह एकदम ज़बरदस्त पूरन पोली रेडी हो चुकी है और ये देखो कढ़ी की यहाँ पे तैयारी हो गई है जो पानी था ना कढ़ी का जो दाल उबाल कर पानी निकाले थे और उसके अंदर जो पूरन पीस के डाले थे उसके बाद उसको गैस पे रखे हैं टोप में उसमें और पानी ऐड किए हैं और साथ ही उसमें हल्दी और मिर्ची ऐड किए हैं और क्या बस इतनी और नमक भी ऐड किए हैं और उसको मिक्स किए हैं और हिलाते जा रहे हैं माशाल्लाह ये कढ़ी बन रही है यहाँ पे देखिए कढ़ी बन रही है ये यहाँ पे इमली का पानी इमली को भिगाए हैं इमली का पानी भी ऐड करेंगे ना खोबरा को कट कर रहे हैं खोबरा को यहाँ पे पीस के उसमें डालेंगे देखिए क्या खोबरा को कट कर रहे हैं वाह 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 गोल गोल खोबरा कट किए हैं और इसको पीस के उसमें ऐड करेंगे देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह भाभी ने यहाँ पे जगह अपनी चेंज कर लिए हैं यहाँ पे थे ना इधर सब अनाज के क्या बोलते हैं इसको गोनी रखे हैं अनाज की गोनी रखे थे ना इसके लिए इस तरफ शिफ्ट हो गए हैं दीवार के पास और ये देखिए बना रहे हैं पूरन पोली वो चावल बनाएंगे ना वो चावल रखे हैं हाँ चावल बनाएंगे हाँ पूरन पोली फिर वो कढ़ी बन रही है वहाँ पे और ये चावल है चावल चढ़ाएंगे अभी और ये हम्मत को देखिए हम्मत भी देख रहा है देखिए इसको धीमी आंच पे पकने दिए हैं स्टोव पे रखे हैं और यहाँ पे पीस रहे हैं मिक्सर में खोबरा सूखा खोबरा था उसको कट करके भून के उसको पीसे हैं और ये देखिए उसमें ऐड किए हैं अब उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए भाभी क्या पीसे हैं ये है जीरा और लहसुन उसको वैसे मोटा मोटा दरदरा पीसे हैं इसको और यहाँ पे देखो कढ़ी को बघार दे रहे हैं उसमें टोप रखे हैं उसमें तेल डाले हैं में ये दरदरा कुटा हुआ लहसुन और ये जीरा को ऐड किए हैं और देखिए इसमें अभी डाल रहे हैं एक टेबलस्पून गरम मसाला को डाले हैं गरम मसाला पाउडर और ये कड़ी पत्ता ढेर सारा कड़ी पत्ता डाले हैं जो कड़ी में बहुत ही टेस्ट आता है कड़ी पत्ता से जो कड़ी पत्ता का तड़का लगा है ज़बरदस्त उसका टेस्ट आता है कड़ी में तड़का लग चुका है लाल हो चुका है अभी इसमें ये कढ़ी में ऐड करेंगे उसको देखिए माशाल्लाह कढ़ी बघार रहे हैं यहाँ पे कढ़ी में ज़बरदस्त तड़का लग चुका है और माशाल्लाह देखिए कढ़ी एकदम बेहतरीन ज़बरदस्त बनी है वाह वाह और खुशबू लाजवाब आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही यम्मी कढ़ी बनी है ये को महाराष्ट्र में बोला जाता है आमटी पूरन पोली आमटी
और ये हम लोग बोलते हैं इसको कड़ी बोलते हैं। और इतनी खुशबू आ रही है, खुशबू से भाभी दौड़ी दौड़ी चली आई है। खुशबू ये यहाँ पे इमली का पानी निकाल चुके हैं। अभी इसमें जो उसका स्वाद दुगना होगा, इमली का पानी खट्टा और आमटी खट्टी होती है, अम्बट इसलिए उसका नाम है आमटी, खट्टी मराठी में बोलते हैं अम्बट। इमली का पानी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इमली का पानी ऐड हो चुका है और जबरदस्त कड़ी बनी है, आमटी बनी है। और देखिए ये स्लो पे ही धीमे आंच पे 15 मिनट उसको पकाना है, जितना अच्छे से पकेगा उतनी अच्छी आमटी बन के रेडी होगी। रखे हैं इसमें चावल, चावल डाल दिए, चावल डाल दिए क्या, ये कुकर रखे हैं और उसमें बघार के चावल बना रहे हैं। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है पानी, इसमें कोथमीर भी ऐड किए ना, तो इसमें अभी चावल भी ऐड करेंगे। चावल भी यहाँ पे पक गए हैं और आमटी भी पक रही है, स्लो पे है पक रही है। और यहाँ पे चावल भी बनके, जीरा राइस भी बनके रेडी हो चुका है। माशाल्लाह देखिए कितना माशाल्लाह माशाल्लाह चावल अच्छे से बने हैं, खिले खिले चावल बने हैं। और ये चावल निकाल रहे हैं प्लेट में और अभी एक्चुअली फातिया देंगे, फातिया के लिए निकाल रहे हैं पूरन पोली और ये चावल और फातिया हैं आज, और वही मेरी खालू के नाम से फातिया दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सब तैयारी चल रही है, खाला सब रख रहे हैं और यहाँ पर फातिया की तैयारी चालू है। देखिए ये जो मैंने आपसे कहा था ना सुहागड़ा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, वो भी फातिया के लिए ही रखना था, तो इस वजह से वो सब मंगाए थे तो वो सब रख दिए हैं। सुहागड़ा वो क्या होता है मुझे भी एक्चुअली पता नहीं है, लेकिन ये सब गांव में रीति रिवाज सब करते हैं तो सब चीज़ें रखी हैं। और ये भी पूरन पोली भी निकाल रहे हैं खाला, और यहाँ पर सब फातिया की तैयारी चल रही है। और देखिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और ये कपड़े भी रखे हैं, कपड़े वो सब रखे हैं, चावल रखे हैं प्लेट में, और ये सब बीड़ी पान और जो जो खाते हैं शायद वो सब रखे हैं। और यहाँ पे फातिया भी दे रहे हैं और फातिया हो चुका है देखे, और हमारा हम खाने की यहाँ पे अभी तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा खाना चल रहा है, दूध और पूरन पोली के साथ खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो चुका है हमारा। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करें कि आज का आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, ये पूरन पोली का व्लॉग कैसा लगा, पूरन पोली आमटी राइस ये सब की रेसिपीज़ आपको कैसी लगी, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो देखें, तो ठीक है। थैंक यू सो मच।